नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संसार टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके नॉन प्रिंटर G3010 या G2010 या G4000 को हम किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो में, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैनोन G3010 को हम कैसे इंस्टॉल करें। उसी प्रकार दोस्तों आप कैनोन G2010 को, कैनोन G400 को बहुत ही आसानी से, 4000 को बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में, मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार से हम इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों आपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और इसमें लिखना है कैनोन प्रिंटर G3010 ड्राइवर। इसी प्रकार दोस्तों आपको जो भी प्रिंटर जैसे 2010 इंस्टॉल करना है तो आप 2010 लिख के क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पास 2010 इंस्टॉल होने लगा है। अभी हम फिलहाल कैनोन G3010 सीरीज फुल ड्राइव इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इस पर हम ओपन करके दोस्तों हम इसको डाउनलोड पर क्लिक कर दिए हैं और ये डाउनलोड हो रहा है। कुछ ही देर में दोस्तों पूरा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है। अभी हम इसको फाइल ओपन में जाके हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो फोल्डर पर जाकर हम इसको ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पर हम क्लिक करके इसको हम इंस्टॉल कराएंगे। जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे में दिख रहे हैं नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा देर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा और बहुत ही आसानी से दोस्तों ये इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ दोस्तों हम प्रिंटर को केबल अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। प्रिंटर को केबल को दोस्तों हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां से दोस्तों हम प्रिंट टेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे लैपटॉप के द्वारा प्रिंट के माध्यम से प्रिंट टेस्ट प्रिंट दोस्तों हो चुका है। तो नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें ऑल है, उसको नेक्स्ट पर क्लिक करके ओके कर देंगे बाय डिफॉल्ट, ताकि दोस्तों इसमें जो स्कैन हो रहा है, इसमें जो इंस्टॉल हो रहा है, जिसके माध्यम से 4 स्टेप लगते हैं, बहुत ही आसानी से थोड़ा देर में दोस्तों आपको इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं इसमें आपको लाइव स्कैन करना भी दिखाऊंगा। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे क्या होता है बने रहिए इस वीडियो में, आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे कुछ इस तरह होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्लिक कर देंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब स्कैन करने वाला हम आइए स्कैन हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार डैशबोर्ड आ गया। और हम प्रिंटर में कोई भी डॉक्यूमेंट हम रख देते हैं, जैसे कि प्रिंट टेस्ट वाला पेपर को ही रख देते हैं और इसको हम डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये स्कैन हो जाए होने लगेगा। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये स्कैन हो रहा है। एग्जिट पर हम क्लिक कर देंगे। एग्जिट पर हम क्लिक कर दिए। एग्जिट पर दोस्तों से क्लिक कर दें तो देख सकते हैं माय गार्जियन ये ऑटोमेटिक खुल जाता है।
तो इसको हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर एड हम क्लिक करेंगे, जैसे कि आपका कौन सा लोकेशन है उस लोकेशन में आप जो स्कैन होता है उस डॉक्यूमेंट का आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने न्यू फोल्डर बना के दोस्तों ओके पर क्लिक कर दूंगा तो ये उसी फोल्डर में स्कैन हो जाएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं ये ब्लैक में जो खुल जाता है, अगर इसको आपको क्लोज करना है तो सेटिंग पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आप 200 dpi 100 dpi अपना हिसाब से आप जो डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं वो कर लेंगे। और सबसे नीचे जो यहाँ से भी आप लोकेशन दोस्तों अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं स्कैन वाला कि हम किस जगह पर दोस्तों सेव करना चाहते हैं। जैसे कि हम डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिए, डी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें हम किस जगह पर सेव करना चाहते हैं, जैसे कि लेबर फॉर्म आएगा उसमें अगर मान लीजिए कि हम सेव करना चाहते हैं चाहे जो भी फाइल आपको न्यू बनाना है तो न्यू फाइल पर हम क्लिक कर राइट क्लिक करके इसमें हम फाइल सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें अपने हिसाब से लोकेशन देख रहे हैं, जैसे न्यू फोल्डर को हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके पर क्लिक कर दिया, ओके हो गया। और यहाँ पर जैसे कि सेटिंग में जाएंगे और जो खुलता था उसको क्लोज करना है, किस प्रकार क्लोज करेंगे से आप अपने कैनन प्रिंटर के बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।